अगेन, और ये हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। देखिए आई का, फिर ईयर का, फिर हम लोग हेयर का किए हैं चारकोल और ग्राफाइट का। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे लिप, ओके, जो कि आप लोग देख चुके हैं ऐसे ही ब्यूटीफुल एक लिप यहाँ बनेगा। और कैसे बनेगा उसका ऊपर जो है ट्यूटोरियल इसमें आप लोग अभी देखने वाले हैं। तो जो फ्रेंड नया है और मेरे जो ये ट्यूटोरियल नहीं देख पाए अभी तक, मिसिंग है, तो आप जाके सीखा आर्ट चैनल में देख सकते हो, ओके। और पार्ट वाइज सब आ रहा है। और ये हम लोग अभी लिप करने वाले हैं, और ये जो है चारकोल पेंसिल से रहेगा, ग्राफाइट पेंसिल, मैं इसमें आउटलाइन कर रहा हूँ, ओके। तो ये अप्सरा पेंसिल है, मैं स्टार्टिंग में अप्सरा पेंसिल से मैं इसके बहुत सारे स्केच बनाया हूँ। तो ये छोटा छोटा हो गया है। ये 4B पेंसिल से मैं आउटलाइन कर दिया हूँ, देखिए। और मिडिल एरिया जो है थोड़ा सा डार्क रहता है, डीप एरिया, तो मैं इसमें चारकोल, सब चारकोल को यूज करके डार्क किया हूँ, ओके। फिर इसमें मैं 4B से यूज कर रहा हूँ, और थोड़ा और ज़्यादा डार्क के लिए मैं 6B यूज करूँगा, क्योंकि मेरे पास 10B वाला जो है नहीं मिल रहा था, अफसर आपका 10B वाला 8B वाला नहीं मिल रहा था, तो 6B को मैं डार्क करूँगा, ओके। और आप लाइट पेंसिल भी आपके पास है तो 2-3 बार उसमें आप प्रेस करेंगे करेंगे सेटिंग उसके ऊपर तो वो डार्क हो ही जाता है। तो मैं इसमें देखिए आप 4B से मैं इसको सेटिंग कर रहा हूँ, जो कि आउटलाइन जैसे मैं बनाया था लिप का वैसा, उसी के अकॉर्डिंग मैं 4B से सेटिंग कर रहा हूँ। और एक बार कंप्लीट होने के बाद सेकंड टाइम और कर रहा हूँ मैं इसमें, बाद में मिसिंग मिक्स करेंगे इसको। देखिए सेकंड लेयर में कर रहा हूँ, क्योंकि पहला लेयर में क्या होता है गैप ज़्यादा रह जाता है, तो सेकंड लेयर भी मैं कर रहा हूँ कि वो कम्प्लीटली हो जाए। और मैं ये दोस्तों नाइट में कर रहा हूँ, तो टाइम नहीं हो रहा था, तो बहुत दिन भी हो गया वीडियो नहीं आ रहा था, तो बना रहा हूँ। और नाइट का टाइम है तो ग्राफाइट तो जानते हैं चमकता है, थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा पड़ता है तो उसका रियल जो स्केच का मतलब नहीं दिखता है, लाइट लाइट दिखती रहता है। अगर दिन में होता तो उसका रियलिटी दिखता, बट नाइट है। तो आपको लास्ट में मैं दिखा दूंगा इसको, थोड़ा सा साइड से फ़ोटो देख के इसका रियलिटी आएगा, बट आप लोगों को प्रोसीजर सीखना है, ओके। और देखिए नीचे लोअर लिप के नीचे थोड़ा शेडो रहता है, तो मैं इसमें चारकोल यूज किया हूँ शेडो बनाने के लिए। और नीचे मैं ग्राफाइट यूज कर रहा हूँ वही 4B से, स्किन का स्ट्रक्चर दे रहा हूँ देखिए लिप के ऊपर, इसमें थोड़ा डीप रहता है एरिया, तो उसमें थोड़ा सा और डार्क किया हूँ 4B से ही। और जहाँ से लाइट चाहिए तो थोड़ा सा स्लो प्रेशर से लाइट से किया हूँ। और ये देखिए मैं मिक्सअप कर रहा हूँ टिश्यू पेपर से, ओके, टिश्यू पेपर से मिक्सअप कर दिया हूँ स्किन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। देखिए और थोड़ा सा डार्क कर दिया उसी को 4B लेके 4B पेंसिल से। और ये मेरे पास मोनो इरेजर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा लाइटिंग दे रहा हूँ, देखिए ऐसे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसा ही रहता है लिप का, लाइनिंग लाइनिंग रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लाइट दे रहा हूँ, इरेज करके लाइट दे रहा हूँ। देखिए आपके पास अगर नहीं है टोमो इरेजर तो आप कोई भी इरेजर, नॉर्मल इरेजर कटिंग करके कर सकते हो। और जैसे कि बिगनर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बिगनर के पास ऐसे मतलब थोड़ा सा ये ज़्यादा एक्सपेंसिबल है, तो इसलिए नहीं अवेलेबल रहता है। मेरे में भी तो अभी फ़िलहाल ही इसको मैं लिया हूँ, ऑनलाइन शॉप किया हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नॉर्मल इरेजर्स कटिंग करके करता था। बहुत सारे 100+ स्केच बनाया हूँ जो कि नॉर्मल इरेजर कटिंग करके। और देखिए और थोड़ा सा इसमें मैं
जहाँ पे लाइट एरिया दिया था उसमें थोड़ा सा अपोजिट साइड में डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे लाइट पड़ता है इसके अपोजिट में डार्क रहता है, जहाँ पे डार्क रहेगा तो उसके अपोजिट में लाइट रहेगा, वही एक फंडा है बस सर, कुछ नहीं है। आउटलाइन तो मैक्सिमम लोग कर देते हैं, बहुत सेटिंग में ही गड़बड़ा जाता है सब, आर्ट जो है बेकार हो जाता है। तो उसी को देखिए, मैं डार्क वैल्यू बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे डीप एरिया में, और लाइट जहाँ लाइट देना चाहिए वहाँ लाइट बढ़ा रहा हूँ। देखिए वहाँ ब्रश में से तो मच करके इसको ला रहा हूँ वन साइड। देखिए इधर से मतलब लाइट पड़ रहा है तो अपोजिट साइड में थोड़ा सा डार्क रहेगा पिक्चर, इस साइड में थोड़ा सा डार्क रहेगा। और जो भाई लोग देख रहे हो और मेरे चैनल में नए हो तो और भी ऐसे ट्यूटोरियल जानने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, जो लोग नहीं किए अभी तक, और बेल आइकन प्रेस कीजिए कि जो कि नोटिफिकेशन आएगा आप देख सकते हैं तुरंत, कोई भी वीडियो मिसिंग मत कीजिए। और ये देखिए ऑलमोस्ट ये जो है कंप्लीट हो गया है। देखिए देखिए अब देखिए मैं थोड़ा सा जो कॉपी जिसके ऊपर बनाया हूँ उसको थोड़ा सा लाइट से थोड़ा बचा के, मतलब शाइनिंग को, मैं मोबाइल को कैमरा ऑन फोकस किया हूँ उसमें, तो थोड़ा सा लाइटिंग कम पड़ रहा है उसमें, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। नहीं तो ग्राफाइट तो जानते ही है कि चमकता है तो इतना खास नहीं लगता है कोई भी पिक्चर। और ये थोड़ा सा देखिए लाइट एरिया ऐसा ही करते हैं, एक ही है बस लाइट और डार्क, ये जो है ये दोनों मेन इम्पोर्टेंट होता है। और जो फ्रेंड लोग देख रहे हैं वीडियो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, जो कि और भी भाई लोग देखें और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और अच्छा अच्छा ऐसे ही ट्यूटोरियल लाते रहूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर।